तो ये पीछे विवेकानंद रॉक मेमोरियल आप देख रहे हैं, उसके इर्द गिर्द कोस्ट गार्ड की जो शिप्स हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं लगातार। यहाँ पर न केवल जमीन से पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है बल्कि जल के रास्ते भी किसी तरह का कोई खतरा न रहे। अब यहाँ से ना मेरे पीछे जो इलाका है ये फेरी टर्मिनल है, अगर आपको एक सफेद छत सी दिख रही हो वो फेरी टर्मिनल है, उसके साथ ही वो भगवती अम्मा का मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले पूजन अर्चन करेंगे, जहां पर कन्याकुमारी देवी की पूजा होती है, और वहीं से पास से फेरी लेकर प्रधानमंत्री के लिए अलग व्यवस्था होगी लेकिन आम लोग भी यहां से फेरी लेकर फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ जा सकते हैं। वहां पर तमाम म्यूजियम वगैरह सारी चीजें हैं, मेडिटेशन का वो हिस्सा है जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे लगभग 24 घंटे के समय। विपक्ष को ये डर है कि प्रधानमंत्री वहां पर ध्यान लगाएंगे और वोटरों का ध्यान कहीं खुद की तरफ आकर्षित न कर लें। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे, कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है, ध्यान में बाधाएं आएंगी। लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे। अरे वाह, तो अभी ये लोग हमारे खाने पर, पीने पर, भगवान सांस लेने पर, भगवान का नाम लेने पर, ये कौन से बना रहे कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ फंडामेंटल राइट है भाई हमारा, 21A के तहत वी हैव फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन। ये मैं कह रही हूँ, ये लोग भोकला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर रोके। मोदी जी अपने आप है, अगर जिस दिन ये इस्तेमाल करना चाहेंगे उस दिन ये लोग ठहर भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। तो सभी का अपना अपना हक बनता है। जैसे कि हम इधर आए हैं, शंकर भगवान माता रानी का नमन करे हैं, ये क्या अब हमसे अपना धर्म को भी छीन के उखाड़ के फेंक देंगे। सुनो भाइयों, क्या प्रधानमंत्री जी का अपना मेडिटेट करने का, ध्यान करने का हक भी निकाल के फेंकना चाहते हैं, अभी इनके हाथ भारत देश पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। बहुत यहाँ पर इनफैक्ट जितने भी होटल्स हैं, हम लोग भी वहां पर हैं, सारे पुलिस वाले डिटेल्स रख रहे हैं वहां। जाहिर है कि राज्य में सरकार बीजेपी की नहीं है, एनडीए की नहीं है, और यहाँ भी कोशिशें ऐसी दिख रही हैं कि थोड़ा सा अलग रखा जाए यहाँ से। जहां पर मैं भी खड़ी हूँ वहां भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है विवेकानंद रॉक से। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या आपको इस समय शूट करने दिया जा रहा है, क्या वहां से हटने को कहा जा रहा है? जी हाँ, हमको यहाँ पे से हटने के लिए बोल दिया है, बट हमने एक जगह ढूंढ लिया जहाँ से आपको ये देख सकते हैं कि एक साइड आपको कोस्ट गार्ड शिप सब कुछ दिखाएगा और दूसरा साइड ये तिरुवल्लुवर मंडपम और तिरुवल्लुवर स्टैचू और विवेकानंद रॉक मंडपम सब भी दिखा रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्यों है कि इस जगह तो एक कंप्लीटली काइंड ऑफ जैम पैक्ड है, इस लाइक बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक बहुत ज्यादा रोड्स भी है, सो कंट्रोल करने का तो पुलिस का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ये अभी पुलिस लगभग 4,000 पुलिस यहाँ पे है और लाइक नोबडी इज अलाउड। रोड देखेंगे तो कुछ रोड भी कंप्लीटली एम्प्टी हो गए, और पीछे देखेंगे तो कोस्ट गार्ड का शिप्स भी है, कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेस। एंड ऐसा ही है क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर ओवर हियर, लाइक मरीन पुलिस भी है, तमिलनाडु पुलिस भी है, जगह पे लाइक ऐसा नहीं जा सकते, आपको स्पेशल पासेस चाहिए। अगर आप कोई प्लम्बर या कोई स्पेशल टेक्निक वर्कर है तो उनको सेपरेट पासेस दे रहे हैं, पुलिस को व्हाइट पास दे रहे हैं, ऐसा कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि लाइक इस जगह को पूरा का पूरा कंट्रोल पे रखना पड़ेगा। और लगभग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रेडियस का ऐसा ही है वो विवेकानंद
रॉक का राइट साइड या लेफ्ट साइड भी, और समुद्र की अंदर भी आप देख सकते हैं कोई फिशिंग बोट्स भी अलाउड नहीं है। अगले वाला तीन दिन के लिए फिशरमैन आर नॉट अलाउड टू वेंचर इनटू द सी एज वेल, ऐसा पूरा बंदोबस्त किया यहाँ पे। जैसे देख रहे हैं टू द राइट साइड अभी देखेंगे तो आपका कोस्ट गार्ड शिप देख रहे हैं, वहां पे एक नहीं बल्कि दो शिप्स है उधर, वो भी राउंड पे ही जा रहे हैं। ऐसा पूरा का पूरा सिक्योरिटी यहाँ पे डाले हैं अभी। और हिमांशु, आपको लगता है कि अगर विपक्ष की तरफ से इतना कहा जाएगा तो किसी भी तरह हो सकता है कि वो पाबंदियां लगे, जिस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से और मांगे की जा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष चुनाव आयोग से मांग कर रहा है और लिखित में जाके अगर कंप्लेन करेगा तभी चुनाव आयोग जो है उसका संज्ञान ले सकता है। सो मोटो लेने की बहुत कम चांसेस नजर आते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तब संज्ञान लेगा जब किसी विपक्षी दल की तरफ से जो है इसको कहा जाएगा कि इस तरीके की चीजों को नहीं दिखाया जाना चाहिए। लेकिन श्वेता, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कभी आपको याद हो योगी आदित्यनाथ को लेकर कैंपेन पर प्रतिबंध किया गया था 24 घंटे का, तो उन्होंने कैंपेन तो नहीं किया था लेकिन वो एक मंदिर और मठ चले गए थे, वहां बैठकर उन्होंने जो है पूजा अर्चना की थी और उसके शॉर्ट्स जो है वो टीवी पे चले थे। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जाकर ध्यान नहीं लगा सकते, किसी मंदिर में पूजा अर्चना नहीं कर सकते, ये शायद बड़ा मुश्किल है इस पर चुनाव आयोग का रोक लगाना। अब देखना यह है कि विपक्षी दल क्या चुनाव आयोग के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर चुनाव आयोग जो है वो सो मोटो लेता है कि नहीं ये सारे दृश्य या ये जो रिपोर्टिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जब मेडिटेशन कर रहे हैं वो रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, इन सब का संज्ञान चुनाव आयोग को लेना है। लेकिन मुझे लगता है कि अब कम समय बचा है और चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेगा, लेकिन इतना जरूर है विपक्षी दल जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं इस मेडिटेशन को लेकर, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश है कि आप इस ये सब करके जो है एक तरीके से मीडिया कवरेज चाहते हैं, और वो कवरेज कहीं ना कहीं एक तारीख को यानी कल जो है जब सातवें चरण का चुनाव होगा तो उसको प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक दूसरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो जब भी चुनाव होते हैं, जिस दिन भी मान लीजिए इससे पहले चरण के जब चुनाव हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन क्षेत्रों में तो नहीं प्रचार करते हैं लेकिन बाकी जगहों पर प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरी चीज ये भी होती है कि जिस समय चुनाव किसी दूसरे, जैसे छह चरण के चुनाव निकल गए, सातवां चरण ये है, क्या उस चरण में जिस चरण में चुनाव जो वोटिंग हो रही थी दूसरी जगह पर वही नेता प्रचार नहीं कर रहे थे? ये बड़े पेचीदा सवाल हैं जो कि एक लंबे चुनाव में, अलग अलग चरण के चुनाव में सामने आना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु और प्रमोद इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन इस सब के बीच और जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है वो आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहते हैं। इतना गाली गलौज प्रधानमंत्री ने किया है ना, इतनी अपशब्द का इस्तेमाल किया है, मैंने कई उदाहरण दिए, अपने विपक्षियों को कहा मुजरा करते हैं, भैंस खोल लेगा, बिजली काट देगा, टोटी उखार लेगा, उसके बाद उनको मेडिटेशन की सचमुच जरूरत है। लेकिन ध्यान का मतलब होता है ना, कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी, ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। कैमरा लेके गए तो फिर तो कैमरा जीवी है साहब, कैमरा मुक्त मेडिटेशन करिए तो आपको ख्याल आएगा कि बीते पूरे सात चरण में अपने किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसके लिए प्रायश्चित भी कर लीजिएगा उस मेडिटेशन में, वो ज्यादा उचित है। बाकी ये वाला जो ट्रिक है ना, ये घिस काफी चुका है, इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि बिना कैमरे के प्रधानमंत्री जी आप ध्यान में जाइए, हमें कोई विजुअल्स नहीं चाहिए, बहुत सारे विजुअल्स है आपके, तब समझूंगा कि आपने ध्यान किया है।